ठंड के मौसम में सूप पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ऊपर से ऐसा सूप जो चटपटा भी हो, हेल्दी भी हो, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करे, तब तो फिर क्या बात है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही मिक्स वेज सूप बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बन के तैयार हो जाता है और उतना ही टेस्टी भी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो वेजिटेबल सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो कुछ इस तरह से सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि पत्ता गोभी के पत्ते, गाजर के छिलके, फिर डंठल ले लिए मैंने धनिया की, ब्रोकली के स्टेम्स हैं, गोभी के स्टेम्स हैं, फणसी के थोड़े से टुकड़े हैं। इनको मैं पानी में डालकर उबालूंगी और इससे जो स्टॉक तैयार होगा, यानी कि वेजिटेबल स्टॉक, उससे सूप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर पानी में डालकर इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाना है। थोड़ी देर में देखेंगे कि पानी का जो रंग है हल्का सा चेंज हो गया है, यानी कि इन जितनी भी सब्जियों का विटामिन्स है वो सारा का सारा पानी में घुलाएगा। उसके बाद छान कर इस पानी को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा वेजिटेबल स्टॉक बनके तैयार हो जाता है। इसमें आप और भी तरह तरह की सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि हरी मटर के छिलके मिल जाए तो उसे आप डाल सकते हैं, ग्वार की फली डाल सकते हैं, बोरो डाल सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां यहां पर यूज़ की जा सकती हैं वेजिटेबल स्टॉक बनाने के बाद। तो चलिए अब सूप बनाते हैं। तो यहां पर मैंने 1 टेबलस्पून तेल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करूँगी सूप बनाने में। फिर यहाँ पर तेल में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ अदरक और पतले स्लाइसेस में कटा हुआ लहसुन भी 1 टेबलस्पून ले लिया है। इन सबको थोड़ा सा भून लेना है, हल्का सुनहरा होने तक इनको मैं भून लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे इनका रंग बदलने लगेगा तब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप के बराबर हरा प्याज, जिसे पतले स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पर सारी सब्जियों को मीडियम आँच पर भूनूंगी, जिससे कि इनका क्रंच बना रहे। और तेल मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, इसीलिए तेज़ आँच पर इनको नहीं भूनना है, नहीं तो फिर ये तुरंत ही जलने लगेंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए, प्याज को भी मैंने बारीक काटा था उसे डाल दिया है। इसे भी भून लेने के बाद अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने लिया है पत्ता गोभी बारीक काट कर, फूल गोभी ले लिया है, ब्रोकली ली है, बेबी कॉर्न लिया है, फ्रेंच बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च लिया है। इन सारी सब्जियों को डालकर करीब 2 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने बारीक काट कर सैलरी लिया है। सैलरी एक ऐसी चीज़ है जिसे पचाने में भी वेट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है बॉडी का, इसीलिए सैलरी को ज़रूर डालें। सैलरी से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है सूप में। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी सब्जियों को थोड़ा सा भून लूँगी लो से मीडियम आँच पर करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी कुछ सॉसेस, जैसे कि ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। तो इन सारी चीज़ों से सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। काली मिर्च का जो पाउडर है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता भी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर सूप को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए विनेगर की जगह यूज़ करूँगी मैं नींबू का रस। तो करीब 2 टेबलस्पून भर के नींबू का रस, या तो फिर एक बड़ा नींबू लेकर उसका आधा नींबू लें और फिर उसका पूरा रस यहाँ पर निचोड़ कर सूप में डाल देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सूप यहाँ पर हमारा बनके तैयार है। इसे हल्का सा गाढ़ापन देने के लिए, यानी जो वो सूप का जो एक हल्का सा गाढ़ा टेक्सचर होता है वो देने के लिए 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। थोड़े से पानी में घोलकर उसकी स्लरी बना ली है। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो और थोड़ा थोड़ा डालकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालते समय सूप में अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए, जिससे कि उसके लम्ब्स ना बने, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सूप हमारा बनके तैयार हो गया है। सूप हमारा पक जाए उसके बाद आखिर में नींबू का रस डाल देना है, फिर काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। तो यहाँ पर सूप हमारा एकदम अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब इसे गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी सर्व कर सकते हैं। गार्लिक ब्रेड को आप चाहें तो होल व्हीट ब्रेड में या मल्टीग्रेन ब्रेड का बना लें, तो कम कैलोरीज में आपका एक शॉर्ट मील बन के तैयार हो जाएगा, और जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी और डिलिशियस होगा। कम कैलोरीज वाला खाना आपका तैयार हो जाएगा, जो कि वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये सूप बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आखिर में प्याज के हरे पत्तों को बारीक काट कर डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे गर्मा गर्म आप परोसें। ठंड में इस तरीके का सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, विटामिन से भरपूर ये सूप। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।